अभी जो है जिन्हें नियुक्त किया है माननीय मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, ये सफाई कर्मचारी आयोग जो दिल्ली में 2006 में स्थापित हुआ था, लेकिन इनके आने से जिनको पता नहीं था ना कि सफाई कर्मचारी आयोग होता क्या है, पूरी दिल्ली में मेरे हिसाब से सबको आज के समय पता लग गया है कि सफाई कर्मचारी आयोग है क्या, क्योंकि इनके आने से एक नई ऊर्जा मिली है सफाई कर्मचारी आयोग को भी और सफाई कर्मियों को भी। तो मंच प्रयासी दोनों निर्वाचित रविशंकर जी, अनीता जैनवाल जी और राहुल जी और न्याय मंच से आजाद जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सभी इस सेमिनार में उपस्थित साथियों और सम्मानित महिलाओं को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मैं चाहता हूं एक बार जय भीम का नारा लगाएंगे तो थोड़ी ऊर्जा सी आ जाएगी, तो सभी से रिक्वेस्ट है एक बार जय भीम का नारा लगाइए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम सभी एक ही समाज के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, दलित समाज के, और कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई, या हम अपने घर में भी अगर देखें तो सफाई कर्मचारी कौन है, भारत का कोई भी राज्य हो, हर राज्य में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमारा ही कोई अपना होता है जो गंदगी साफ करने का काम करता है, और कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होता आया है। आज के समय भी अगर कोई देखे, देश आजाद हो चुका है लेकिन गुलाम है तो कौन है, हम देखेंगे कि सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं आज भी गुलाम है। ये गुलामी की क्या वजह है, आज भी हम अगर पीछे भी आपने देखा होगा पिछले साल अखबार में एक स्टेटमेंट आया था कि सफाई कर्मचारियों की जो है ना जो नियुक्ति हुई है या जो नियुक्ति का स्टेटमेंट था, करीब 28,000 के आसपास सफाई कर्मचारी ऐसे थे जो सिर्फ कागजों में थे, घर बैठे सैलरी ले रहे थे। वे कौन थे? वे हमारे लोग नहीं थे? वे कहां से आए? वे कोई और ही लोग थे जो हमारे लोगों का जो है कहीं ना कहीं हक मारने वाले, छीनने वाले होते हैं। और हमारे जो लोग हैं पिछले 20 साल से सफाई कर्मचारी नियुक्त होके अपना काम कर रहे हैं, मैला धो रहे हैं, लेकिन आज तक पक्के नहीं हुए भी। तो वे जो कच्चे हैं जिन्हें अपनी नौकरी का भी डर रहता है और अपनी जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी जगह वे 12 घंटे काम करते हैं, तो मेरा जो है ये विचार है और रिक्वेस्ट है श्री रविशंकर जी से और अनीता जैनवाल जी से कि आपके सफाई कर्मचारी आयोग में नियुक्त होने से जो हमारे अंदर एनर्जी आई है, हमारे समाज के अंदर एनर्जी आई है, हम चाहते हैं ये एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहे। और आप इस सवाल को जरूर उठाएं कि जो पिछले 15-20 सालों से कच्चे हैं वे पक्के हो, और समय समय पे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, जीवन से रिटायरमेंट हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी उनकी सैलरी पूरी नहीं मिल पाती, उनका रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं मिल पाता। क्योंकि मैं टच में रहता हूँ एज ए सोशल वर्कर, तो मेरे पास भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे को 5 साल रिटायरमेंट के हो गए लेकिन आज तक मेरी पूरी जो सैलरी है वो मिल नहीं पाई। तो सर ये पैसा कहाँ बीच में फंसता है, उलझता है, क्या होता है, आप इसमें जो है नोट करके और जबरदस्त तरीके से इस बात को उठाएं कि एक तो शोषित व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है, उसके बावजूद उसकी मेहनत का उसको मेहनताना ही ना मिले तो बेचारा कहाँ जाएगा। एक और भारत में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है
कि लोग बिन काम करे एक के दो दो से चार बना रहे हैं और इन दलितों के साथ ही इतना शोषण क्यों होता है कि हमारा ही आदमी सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उसको उसका मेहनत खाना भी नहीं मिलता। तो ये चिंता का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और ये मैं कोई इतनी बड़ी मांग नहीं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो है बिल्कुल लकीर से अलग है, ये तो ये लगा लो इस मंच के माध्यम से मैं नॉर्थ वेस्ट के सोहाना विधानसभा के गांव चंदकोट से बिलोंग रखता हूँ, वहाँ के सफाई कर्मचारियों की जब मैं हालत देखता हूँ तो ये लगा लो बड़ा अंदर से बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि जो सफाई कर्मचारियों की अटेंडेंस लेने वाला जो इंस्पेक्टर होता है वो क्या करता है, कुछ फर्जी नाम होते हैं उनके लोगों के, वे घर बैठे जो है सैलरी ले रहे हैं और उनकी अटेंडेंस लग रही है। अब उनकी अटेंडेंस लग रही है, घर बैठे सैलरी ले रहे हैं और फिर भी गलियों गलियों को हम देखते हैं साफ सफाई बिल्कुल साफ सफाई मिलती है। क्यों मिलती है, कैसे मिलती है? जो कच्चे कर्मचारी होते हैं वे अपनी तो ड्यूटी करते ही हैं, साथ में जो घर बैठ के खाते हैं ना वे उनके हिस्से का भी काम करते हैं। तो कच्चे जो कर्मचारी हैं उनके साथ ऐसा भेदभाव होता है कि उनको अपने हिस्से की जो चार गलियां साफ करनी होती है वो तो करते ही हैं, साथ में जो आम का खाते हैं ना उनके हिस्से की भी चार गलियां वे साफ करते हैं। तो ये जो है ये मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूँ, आप जो है इसको देखिए। और जो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं वे इंस्पेक्टर 100 में से 80% इंस्पेक्टर उच्च वर्ग के हैं, इसी कारण कहीं ना कहीं हमारे दलितों का शोषण होता है। और वही संख्या अगर हम सफाई कर्मचारियों की देखें तो करीब 80% जो है हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं जो दलित होते हैं और उनका शोषण आज भी हो रहा है। तो रविशंकर जी मेरा आपसे पुनः निवेदन है, अनीता उज्जैनवाल जी कि आपकी नियुक्ति हुई है तो हमारे लिए, हमारे दलितों के लिए, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल पेश करें और पूरे भारत में जो सफाई कर्मचारी बने हुए हैं जो काम कोई नहीं कर पाया आपसे जो है हम ये आशा रखते हैं कि वो काम आप करके दिखाओ और अपने समाज के लिए और दिल्ली के लिए ऐसी मिसाल कायम कर दो कि जो है समाज को आप पे रहो। क्योंकि जो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करने वाला ही जाना जाता है। अब आपको देखना है कि आप समाज के लिए कितना क्या कर पाते हो। अगर आप समाज के लिए करोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाज आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा कि आप जो है आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लिए काम किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि समाज ने भगवान का दर्जा प्रदान कर देगा। तो मेहनत हमेशा रंग लाती है। और इसी के साथ मैं जो है तो दो लाइनें कहूँगा आप दोनों के लिए कि मेहनत कर साथी मेरे, मेहनत रंग लाएगी, जितना तुम आगे बढ़ोगे मंजिल उतनी ही करीब आएगी। समुद्र का समुद्र होते पलने वाला कब मौत से डरता है, तूफानों में पलने वाला कब अहंकार करता है, तुम्हारी यही सादगी दुनिया को मानवता सिखलाएगी, मेहनत कर साथी मेरे, मेहनत रंग लाएगी। तो आप अपने समाज के लिए, अपने सफाई कर्मचारियों के लिए इतना कुछ कर दो कि जो इनके साथ शोषण हो रहा है इस शोषण से मुक्ति दिला दो और फिर देखो आप, आपको ये समाज जो है ये समाज ऐसा है कि जिसका एक बार एहसान मान लेता ना तो ये मर जाता है, लेकिन ये बिकने वाला नहीं है, उच्च वर्ग की तरह बिकने वाला नहीं है, ये सच्चा और ईमानदार समाज है। धन्यवाद।